الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له व नशदुअन्न सईद ना व मऊलाना मुहम्मद नाब्दू व रसूल अम्म बदुफ़ आउज़ुबिल्लाशाज़ीम बिसमिल्लरहन रहीम मुहम्मदुल्ला सल अल मुहम्मद अली मुहम्मद कमा सल तला इब्राहिम वाला अली इब्राहीम इन्क हमीद उम मजीद अला मबारिक महमद उमाल अली महमद कम बबारक अला इब्राहिम वाल आल हमीदुम मजीद अल्लाह इंसानियत की हिदायत के लिए अम्बी आल सलाम को मबूस फरमाया सबसे पहले एलान नबूअत हज़रत आदम अला नबीना वाली सलात सलातम से करवाया गया सबसे से में मेंलान नबूवत हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुशतबा ख़ातमरसलिन सदल्बिया इमाम्बिया हज़रत महमद सल्ला वम से करवाया गया रसूल अकरम सल्हल् ख़ातबीन हैं आखिरी नबी है जिस तरह आपको नबी मानना ज़रूरी है इसी तरह आपको आखिरी नबी मानना भी ज़रूरी है अगर कोई शख्स हजूर अक्रम अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है और अगर कोई नबी मानता है और आखिरी नबी नहीं मानता वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है हजूर अक्रम अलैहि वम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं होगा कोई नया नबी नहीं आएगा ना ही तश्रही नबी ना ही गैर तश्रही नबी तश्र नबी नई शरीत लेकर आने वाला ग़ैर तश्रही नबी नई शरीयत न लाए पहले ही नबी की शरीयत को लेकर चले कोई किसी किस्म का नया नबी नहीं आएगा कोई नबी जिल्ली हो कोई नबी बरूजी हो जिल्ली नबी यानी पहले नबी का अक्स उस पर पड़े और नबी बन जाए ऐसा भी नहीं होगा कोई बरूजी नबी भी नहीं कि नबी दुनिया से चले गए उसकी रूह किसी शख्स में हलूल कर गई वो नबी बन कर आ गया ऐसा भी नहीं होगा अल्लाह तजूर अक्रम सल्हल्म पर नब का दरवाज़ा बंद फरमा दिया है आप ख़ात अलम्बिया हैं और ये उम्मत खातमुल खातम है आप आखिरी नबी हैं ये उम्मत आखिरी उम्मत है क़ुरान करीम आखिरी किताब है जो किसी पैगंबर पर नाजिल हुई तो अकरम सल्लल्लाहु हज़ूकरम सल्लम इमामबिया भी हैं सैयदुल सदलम्बियाबी हैं ख़ातम्बिया भी हैं है। नबी करीम सल्ला वल्लम नबीलम्बियाँ हैंमामब्बिया हैं खमुल हैं सदुलम्बिया हैं हजूर अक्रम अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ख़ास एज़ाज़ बख्शा है ख़ास इकराम बख्शा है ख़ास मकाम अता फरमाया है अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमें हजूर अक्रम समती होने का शर्फ बख्शा है इंसान होना कमाल की बात है मुसलमान होना कमाल की बात है फिर हजूर अक्रम सम्मति होना कमाल की बात है गोया ये नूरन फ़ौका नूरन फ़ौका नूरन है नूर पर नूर पर नूर है फिर हजूर अक्रम सल्ला वल्लम का उम्मीती बनाकर अल्लाह तिलम की नमत अता फ़रमा दें तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का बहुत बड़ा करम है अल्लाह ताली की बहुत बड़ी नमत है तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताली ने हजूर अकरम सल अल्लाम का उम्मती होने का शर बख्शा है हमें इस नमत की कदर करनी चाहिए अल्लाह तला से इस नमत की क़दर की दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला में इस नेमत की कदर की तोफी का ताफरमा ये वो एजाज है जो अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें अता फरमाया है ये वो एजाज है जो अल्लाह ताला ने बगैर किसी मेहनत के हमें अता फरमाया है सुबहानल्ला किस कदर अल्लाह ताला का इनाम है अल्लाह ताला का एहसान है ये कितनी बड़ी नमत है अल्लाह अकबर दुनिया में भी ज़रा गौर फरमाएँ और आखरत में भी ग़ौर फरमाएँ कि अल्लाह ताला का ये इतना बड़ा इनाम है इतना बड़ा इक्राम है इतना बड़ा एहसान है कि कयामत के दिन हजूर अक्रम के मुबारक परशम के नीचे ये उम्मत जमा होगी और आपकी उम्मती अल्लाह अकबर आपका उम्मीती बनकर उठाया जाए कितना बड़ा शरफ हजूर अक्रम सल्हलम चूँकि इस पूरी कायनत के वजूद का सबब है ये बात अच्छी तरह जे नशीन फरमाएँ और मेरे लफ्ज़ों पर गौर करें हजूर अक्रम कायनात के वजूद का सबब है ये बात बाज़लों को समझ नहीं आती तो उनको एक उलझन पैदा हो जाती है क्या कुर करीम कहता है वाह ख़ल ज्जिन नवलिनसियाबून कि अल्लाह ताला ने इंसान को और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो क़ुर करीम कह रहा है इबादत की वजह से पैदा किया और आप कह रहे हैं हजूर अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक की वजह से पैदा किया तो ये तो गोया कुरान करीम के ख़िलाफ़ है हालाँकि ऐसी बात नहीं है ये बात अच्छी तरह जे नशीन फरमा लें जिस तरह क़ुरान करीम से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया इसी तरह हदीस पाक से साबित है कि अल्लाह ताला ने इस अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इंसान को पैदा फरमाया और इंसान के लिए पूरी कायनत को पैदा फ़रमाया कुरान करीम में है खल खल कम माफिलद जमी जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा की है और अगर हमारे वालद फिर दादा पर दादा हती कि आदम इस्लाम का वजूद न मिलता तो तुम्हें कैसे मिलता और आदम इस्लाम का वजूद हदीस पाक में मौजूद है लोल्ला महमदाल ख़लख ए आदम अगर मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा न करना होता तो मैं तुम्हें पैदा न करता तो गोया हमारी पैदाइश का सबब हमारे वालद वालदा उनकी पैदाइश का सबब उनकी वालद और वालदा इन सब की पैदाइश का सबब हजरत हब्बा और आदम आदम साम की पैदाइश का सबब रसूलुल्लाह सल्लम का वजूद अतर तो गोया पूरी इंसानियत के वजूद का सबब अल्लाह के नबी जात है और फिर कायनात की चीज़ें इंसान के लिए हैं जब अल्लाह ने इंसान को नहीं रखना होगा कयामत आएगी और हर चीज़ को फना फरमा देंगे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद यात्रर कायनात के वजूद का सबब है बाकी ये कि हदीस क़ुरान के ख़िलाफ़ है ऐसा हरगिज़ नहीं देखें दो लफ्ज़ अलग अलग हैं एक है मकसद और एक है सबब मकसद और है और सबब और है मकसद और है और सबब और है मैं बयान करने के लिए आप क्या आया अब मेरे आने का मकसद मेरा बयान है मेरे आने का सबब वो मेरा मेज़बान है अब देखो बयान न करना होता तब भी ना आते कोई मेज़बान ना होता शायद तब भी ना आते तो आने का सबब मेज़बान है आने का मकसद बयान है सबब अलग चीज़ है बयान अलग चीज़ है इसी तरह आने का मकसद इबादत खुदा है और आने का सबब वजूद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसद अलग है सबब अलग है तो क़ुरान करीम ने मकसद बताया है इबादत खुदा और हदीस पाक में सबब बताया है वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मी हालत ये है कि आदमी मकसद और सबब में फ़र्क नहीं कर पाता और एतराज किया जा रहा है पर केदे परमा के अकीदे पर सुन्नत आलोसन्नत जमात के अकीदे पर आदमी ज़रा सोचे मेरी इल्मी सतह क्या है और मैं बात क्या करता हूँ अलैहि वसल्लम अजीम तरीन हस्ती है कायनात में अल्लाह की ज़ात के बाद सबसे बड़ा मकाम और मरतबा हजूर अक्रम सकदसा का है ज़ात मतहरा का है ज़ा तयबा का है पकीजा ज़ात का है हजूर अक्रम सयन की अजीम तरीन हस्ती है आपकी आजमत आपकी रिफात आपके मकाम का आदमी तसुर भी करना चाहे तो नहीं कर सकता रसूल अक्रम सीम नहीं अजीम तर हैं अज़ीम तर नहीं अजीम तरीन है मुकदस ही नहीं मुक़दस तर है मुकदस तर ही नहीं मुक़दस तरीन हैं हजूर अक्रम सम हम अजीम माने ये हमारी सदत है हम न माने वो तब भी अजीम है जिस तरह कायनत में अला खुदा अल्लाह की जात है मान लें तो हमारी सादत है न माने वो तब भी अला है अगर दुनिया में कोई एक शख़्स भी अल्लाह सजदा न करे तो उलोहीत खुदा में फ़र्क नहीं पड़ता कम उलोहीय खुदा में नुस नहीं आता और अगर कायनत के सारे अफरद मिलकर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएं, तो खुदा में कोई इजाफा नहीं होता इसी तरह कायनात का एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात का कोई एक शख्स भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने तो आपकी असमत में फ़र्क नहीं पड़ता और सारे मिलकर भी मान लें आपकी अजमत में इजाफा नहीं है हमारे मानने न मानने से क्या फ़र्क पड़ता है सूरज तलु है आप आंखें बंद कर लें वो तब भी तलु है आप आंखें खोल लें वो तब भी तलु है हाँ उसको मान लेंगे फ़ायदा उठाएंगे अपना फ़ायदा उसको नहीं मानेंगे फ़ायदा नहीं उठाएंगे अपना नुकसान है इसी तरह रसूल अकरम अलैहि वसल्लम का वजूद अ तर क्या सूरज की हैसियत है आपके सामने क्या चांद के मक़ाम है आपके सामने तो नबी करीम सज़ीम तरीन शख्सियत है मुक़दस तरीन हस्ती है मानेंगे तो हमारा फ़ायदा नहीं मानेंगे तो हमारा नुकसान हजूर अक्रम तो कि अज़ीम तरीन हैं तो आपकी अज़मत का तकाजा ये है कि आपसे मोहब्बत की जाए आपकी अज़मत का तकाज़ा है कि आपकी मोहब्बत की जाए कोई शख्स आपको अजीम तो मानता है आपसे मोहब्बत नहीं करता ये अज़मत नफ़ा नहीं देगी तो आपकी अज़मत का तकाजा है कि आपसे मोहब्बत की जाए और मोहब्बत भी कैसी की जाए सुबहान अल्लाह के रसूल वसल्लम फ़रमाते हैं लाद يؤمن हत अकून अहब्ब ए वालद من वालद ही व नन्नासी अजमाइन कि उस वक्त सक तुम कारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक अपने वालिद अपनी औलाद कायनात के सारे इंसानों से ज़्यादा मुझे अपना महबूब न बनाओ आपसे मोहब्बत भी करनी है अजमत का तकाजा कि आपसे मोहब्बत की जाए और मोहब्बत भी ऐसी कि आपकी मोहब्बत पे सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए आपकी मोहब्बत पे सब कुछ फना कर दिया जाए आपकी मोहब्बत के तकाज़े फिर भी पूरे नहीं होते तो आप अजीम तरीन भी हैं महबूब तरीन भी हैं ना आपसे कोई अजमत वाले हैं ना ही आपसे ज़्यादा कोई महबूब हैं सराप मोहब्बत शराप आजमत रसूल अक्रम सला व्ल्लम की ई गिर रामी है और इस मोहब्बत का पता कैसे चले फर्म लाद गुम हत होवा तब आल्मा जि तुब ही तुम्हारे ईमान का कमाल ये है अपनी ख़्वाहिशात को उस चीज़ के ताबे कर दो जो मैं लेकर आया हूँ नबी करीम सी मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़् है आपकी मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और हकीकी मोहब्बत है ही ये कि इंसान आपकी इतात करे तो आप अजीम तरीन भी हैं महबूब तरीन भी हैं रसूल अकरम सल अल्लाह वल्लम की अजमत का अतराफ़ ईमान का जुज़ है मोहब्बत का एतराफ़ ईमान का जुज़ है कायन की सारी चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत हजूर अक्रम सल्ला वसम की ज़ात से करनी चाहिए और ये आप पर एहसान नहीं है आपका हक है और हमारे ऊपर फ़र्ज है आपका हक़ है और हमारे ऊपर फ़र्ज है आपका हक है और हमारे ऊपर फ़र्ज है, है, है। रसूल अक्रम से मोहब्बत करना ये हमारे ज़िम्मे लाजिम है हजूर अक्रम सल्ला सज़ीम तरीन भी हैंजू अक्रम स महबूब तरीन भी हैं तो इसका तकाज़ा कि रसुलकरम सता की जाए कुल इन कुल तुम तो अल्ला फ तब्यून यब कमल्ला से मोहब्बत का दावा है तो भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत अल्लाह के नबी की इतात और इतबा से पता चलेगा कि अल्लाह से मोहब्बत है या नहीं यानी अल्ला पाक ने अपनी मोहब्बत को भी पैगम्बर की इतबा के साथ मशरूत करार दी है अपनी मोहब्बत की अलामत अपने महबूब की इतबा को करार दिया है तो रसूल अक्रम स की मोहब्बत सिर्फ़ लफ्ज़ों से काफ़ी नहीं है ज़बान से काफ़ी नहीं है अमल से मोहब्बत करें एक शायर का बहुत, बहुत, बहुत बेहतरीन अरबी शेर है बहुत बेहतरीन उन्हें कलाम किया है अतासिलह व अन तजह तो हब्बाह हु। वहाज़ा लमरी फ़िल्फ्याल बदयो लौकान हब्ब का सादिक्लत हो वन मुहिब्बा मै हब्ब मतियो अल्लाह से मोहब्बत के दावे फिर अल्लाह की नाफरमानी ये बहुत अजीब मामला है अगर मोहब्बत होती तो इतात भी होती इसलिए कि महब अपने महबूब की इतात किया करता है महब अपने महबूब की इतात किया करता है तो रसूल अक्रम सला वसम मोहब्बत ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है बल्कि आपकी मोहब्बत का तकाजा आपकी इतात है महबूब की अदाएँ भी महबूब होती हैं महबूब की हर अदा महबूब होती है रसूल अक्रम सम की मोहब्बत आप यकीन फ़रमाएँ अगर इस ज़मीन पर किसी ने की है और मोहब्बत का हक अदा किया है तो अब मोहम्मद सल्लम है पैगम्बर के अजवाज हैं पैगम्बर की आल है इन्होंने हजूर सल्लम की मोहब्बत का हक़ अदा किया है मोहब्बत का हक अदा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का माना आपकी इतात है आपकी इतबा है आपके नक्श कदम पर चलना है अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सब को इसकी तफ़ी अता फ़रमाए हजरत अनस रजी अल्लाह ने फ़रमाते हैं एक शख्स ने पूछा या रसूल अल्लाह मतसा अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी आपने फ़रमाया माँ आदत सा तो उन्हें क़्यामत की तैयारी क्या की है तो उस शख़्स ने जवाब दिया मा आदत तो इल्ला अन्नी अल्लाबल्ला रसूल मैंने और तो तैयारी कुछ नहीं की बस अल्लाह अल्लाह के रसूल से प्यार करता हूँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अलमर उमाम अहब्बा आदमी कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिसके साथ दुनिया में प्यार करता है साहबा के तो महबूब हजूर थे हजानस रजी अल्लाह तरमाते हैं कि रसूल्ला सल्लम से बहुत हादी सुनी है आपके कलाम को बहुत बार सुना है लेकिन जो मज़ा इसका आया ना ये मज़ा मुझे कभी नहीं आया सबसे बढ़ कर मज़ा आ जाए क्यों एक अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दे दी ना कि जो जिससे प्यार करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा अर अनस के तो महबूब हजू सल्ल वम थे तो गया उनको एक तसली मिल गई कियामत के दिन मैं भी रसूल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा तो सहाबा की ये दर्द और मोहब्बत थी हजूर अकरम सल्ला वल्म अजीम तरीन भी हैं आप सल्लम महबूब तरीन भी हैं तो हजूर अक्रम आज़मत और मोहब्बत का तकाजा आपकी इतात है आपकी मोहब्बत का तकाजा सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं है सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं है बल्कि आपकी मोहब्बत का तकाजा ये है वो अमाल करें जिससे आप खुश होते हैं आपकी आंखें ठंडी होती हैं उन अमाल से बचें कि जिससे आप नाराज़ होते हैं जिससे आपको तकलीफ़ पहुंचती है उन अमाल से बचें वो अमाल करें कि जिससे आपकी आंखें ठंडी होती हैं वो अमाल करें कि जिससे आपको राहत मिलती है जिससे आपको खुशी होती है वो अमाल करें हजूर करम सल्ला व् का मुबारक लिबास अपनाएं सर से लेकर पाँव तक आप टोपी मुबारक पहना करते थे टोपी पहने पगड़ी मुबारक पहनते थे पगड़ी पहने ये आपकी मोहब्बत का तकाजा है हम नंगे सर न फिरें सर पे पगड़ी और टोपी पहन के फिरें अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में अबवाफ क़ायम किए हैं कि आपकी पगड़ी का रंग क्या था बाबू माजा इमामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह हुआ वा वारी इमामत मामसौदा आपके सर के ऊपर स्याह रंग की पगड़ी थी आप आपने कब सफ़ेद रंग की पगड़ी बाँधी है हज़र में आपका मामूल सफ़ेद का भी था सफ़रों में स्या का भी था तो आपने मुख्तलफ़ रंगों की पगड़ी पहनी है तो हक बनता है कि टोपी पहने हक बनता है पगड़ी बाँधे हजूर अक्रम सम सर मुबारक पे रात को तेल लगाया करते थे सर पे तेल लगाया करते थे आदमी तेल इसी लगाए कि मेरे सर में खुशकी है जायज़ है लेकिन इसलिए लगाए कि मेरे पाक पर अंबर की सुन्नत है क्या मजा है खुशकी तो दूर होनी है लेकिन हजूर सल्ला वसल्लम की सुनत समझ के लगाए और आप इतना तेल मुबारक लगाते अपने सर मुबारक पर इतना तेल लगाते कि आपको अपने सर पर टोपी के नीचे कपड़ा रखना पड़ता और वो कपड़ा तेल में यूँ आलूदा होता यूँ तेल लगता कहते हैं कि कहता हैन्ना वस व्यातिन यूँ लगता कि तेल के काम करने वाले शख्स का ये कपड़ा है आप अपने सर पर वो रखते थे फिर आपका मुबारक अमल था टोपी है ऊपर पगड़ी है फिर रसूल अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत है कपड़े कैसे पहनने हैं आपने जूता मुबारक पहनना है असा मुबारक रखा है मसवाक का इस्तेमाल किया है तस्बीहात का अहतमाम किया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ाहरी चीज़ें जो हमारे इख्तियार में हैं उसको हमने अपनाना है आपको हसन व जमाल वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है लेकिन आपने उसन व जमाल को बरकरार रखने के लिए जो चीज़ें इख्तियार फरमाई वो तो हमारे अख्तियार में है ना आपने खुशबू का कितना इस्तेमाल किया है हालत मुबारक ये है कि आपकी मुबारक पसीने से खुशबू आती है आपके मुबारक बरास से खुशबू आती है हाजत से खुशबू आती है लेकिन इसके बावजूद भी आपने खुशबू का अहमाम किया तो तो है तो हमें तो भी खुशबू तो का एहतमाम करना चाहिए बहुत अहतमाम करना चाहिए खुशबू का एहतमाम करें रसूल अक्रम सम ने जिन जिन चीज़ों का एहतमाम किया है वज़ा क़त ज़ाहरी चीज़ें हमें उसका भी ख़्याल करना है रसूल अक्रम सम ने लिबास का अहतमाम किया है आपने लिबास पर पैवंद लगा लिबास भी पहना है तीस ऊँटों की मालियत के बराबर लिबास भी पहना है इतना कीमती लिबास भी पहना कि किसी के पास वसत हो तो कीमती लिबास पहनने में हर्ज नहीं है पैवंद लगा के पहना अगर वसत ना हो तो मांगे मत पैवंद लगा हुआ लिबास पहन लें आपने इसका भी एहतमाम किया है क्योंकि आप अमीरों के भी नबी हैं गरीबों के भी नबी हैं आपने अपने आमली ज़िंदगी से अमीर को भी सबक दिया है आपने अपनी अमली ज़िंदगी से ग़रीब को भी सबक दिया है तो रसूल अक्रम की जो हिदायत हैं उनका ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है फिर नबी करीम वालिद हैं तो आपने वालद तो बन कर औलाद के हकूक़ बताए हैं नबी करीम स हैं तो सुसर बन कर दमादी के हकूक़ बताए हैं नबी करीम सल व्म दमााद हैं दामाद बनकर ससुर के हकूक़ बताए हैं रसूल अकरम अलैहि वसल्लम के नवासे नवासियाँ तो आपने ये हकूक़ भी बताए हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम ने ये सारे हकूक़ अपनी उम्मत को अपने अमल के साथ बताए हैं नबी करीम हिजरत फरमाई महाजिर बन के महाजर के हक़ बताए हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम ने दीन मुबारक के लिए तीन साल शेब अभी ताले में गोया जेल काटी आपने वो अदाबी बताए हैं फ़खर बर्दाश्त किया वो भी बताए हैं मैदान जंग में उतरे जिहाद किया वो भी दिखाया है गाजी बने हैं वो भी बताया है गालब आए हैं वो भी बताया है तो रसूल अकरम सल्ला वसम ने अपने मुबारक अमल से सब चीज़ें उम्मत के सामने बयान की हैं नबी करीम वसल्लम की खलवत को देखें आपकी जलवत को देखें अपनों के साथ तल्लक़ देखें गैरों के साथ तल्लु देखें फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कराना देखें अपने साहबा की दिलजोई के लिए हंसना देखें अपने सहबा कराम की दिलजोई के लिए मोहब्बत की, की बातें करना सीखें, फिर रात को कुड़ना सीखें, रात को सोना रोना सीखें, लंबे लंबे सजदे कर देखे लम्बे लम्बे रकू करने देखें तो रसूल अकरम सल्ल्स की वो ज़िंदगी खलवत की भी है ये ज़िंदगी जलवद की भी है ये जिंदगी अपनों के साथ है वो जिंदगी गैरों के साथ है कभी जिंदगी मक्का की है कभी ज़िंदगी मदीना की है मक्का मुकरमा को देखे तो अलग जिंदगी है मदीना मनवरा को देखे तो अलग जिंदगी है गार की देखें तो अलग जिंदगी है तो रसूल अक्रम स अपने अमल से ये सारे मामलों उम्म के सामने पेश किए हैं और हमारा हक है उम्मती होने की हसीियत से कि हम नबी करीम सल्ला व्ल् ये अदाओं को अपनाएँ हम इन अदाओं से मोहब्बत करें रसूल अल्लाम की तरह जीना सीखें पैगंबर की तरह दुनिया से जाना सीखें पैगंबर की तरह सेहत में रहना सीखें बीमारी आई तो बर्दाश्त करना सीखें यह रसूल अरम्स की सारी ज़िंदगी खुली किताब हमारे सामने है और अजीब बात यह है कि आप सल्ला वसल्लम की हर हर अदा उम्मत ने महफूज की है आपकी अदाएँ महफूज की, की हैं चलना महफूज किया है बैठना महफूस किया है लेटना महफूस किया है बाज़ारों में जाना महफूस किया है रात को मसल पर खड़ा होना माफूज़ किया है सवारी पर सवार होकर सफ़र करना माफूस किया है ये सारी अदाएँ हमारे पैगम्बर पाक अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने त्यामत तक के आने वाले उम्मती के लिए महफूज करवा दी है तो रसूल अक्रम सम मैं अर्जी कर रहा था क्या अजीम तरीन भी हैं महबूब मुक़दस तरीन भी हैं महबूब तरीन भी हैं और रसूल अक्रमली वल्लम मता तरीन भी हैं यानी जिसकी इतात की जाए जिसकी इतात की जाए अल्लाह ताली ने क़ुरान करीम में एक बात हमें समझाई है हमने मोहब्बत तो करनी है हमारा ईमान है एतात करनी है हमारा ईमान है लेकिन इंसान है एतात में कोताही हो जाती है कभी गफलत हो जाती है कभी नहीं कर पाता तो कुर करीम कहते हैं ममा रसूल इन अली अब इज़नल्ला हमने पैगम्बर पाक को इसलिए भेजा ताकि इनकी इतात की जाए हमा अरसल्लमिरसूलिन अब इज़न वलोम इज़्लमानफुसहम जाऊ का फस्तफ़रल्ला वतफ़रलहुर रसूल लवजल्ल् तब्वा बर रहम अगर ये अपनी जान पर जुल्म कर बैठें अल्लाह अकबर यानी हजूर पा की तात नहीं की तो पैगम्बर का नुकसान नहीं हुआ अपनी जान पर जुल्म कर बैठें अनफुसा हूँ पैगम्बर पा की तात नहीं की तो अपने ऊपर जुल्म की है अगर अपनी जान पर जुल्म कर बैठें तो फिर ये क्या करें जाऊ का आपके पास आए आपके पास हाजिर हूँ फस्तख और आपके पास आए और अल्लाह से माफ़ी मांगें मस्तफ़र रसूल और रसूल भी उनके लिए माफ़ी मांगे यानी अल्लाह ने भी इसे गुजारिश करें कि आप हमारे अल्लाह से दुआ मांगें लवा जदाल्ला तबर रहीम तो ये देखेंगे अल्लाह कैसे इनकी तौबा कबूल करते हैं और अल्लाह कैसे रहम फरमाते हैं रसूल अक्रम सला व् जब इस दुनिया में जिंदा थे तब भी यही हुक्म था और आज जबकि मुबारक में ज़िंदा हैं आज भी यही हुक्म है जिस तरह आपकी दुनियावी ज़िंदगी में था कोई आपके पास आए और दुआ मफरत की दरख्वास करें यह हुक्म आज भी है कोई आपके पास आए और दुआ मफरत आपसे करवाए आज भी आप जाएँ रोज़ा मुबारक पे, रोज़ा मुबारक में जाएँ वो तभी का शेर लिखा हुआ है हजूर अक्रम सम के कबर मुबारक के पास आए कहलाब नौम नींद का गलबा हुआ अकबर। एक अराबी आए थे तो वो रसूल सबर पे आए खबर पे आकर अल्लाह के नबी खिदमत में सलाम पेश किया और आपने अर्ज़ किया कि यार अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में आया हूँ चेतु तो का मुस्तरम भी मुस्तफ़ बिक, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अल्लाह से मेरी दुआ करें दरख्वास करता हूँ कि अल्लाह से आप मेरे लिए दुआ फ़रमाएँ ये कहा और फिर हजूर अक्रम सल्ल वम की कबर मुबारक के पास खड़े होकर ये शेर पड़े <कुण> या ख़ैर अमन दफिनत बिल्क आज़म हो من बमती बिहिन नलका उल अकमो नफ्सलफिदा उल़ब्र अंतसाकिन हो फ़ील والجود والكرم उल करम हो ये रसूल अकरम सल कबर मुबारक पर खड़े होकर शार पड़े और आज भी रोज़ मुबारक पर ये शार दर्ज हैं हजूर के मुआजा शरीर के सामने जाएँ जा आपकी जो जा मुआजा शरीर चेहरा करें किबले की तरफ़ आप अपनी पीठ करें और खड़े होकर देखें आपके दाईं जाने में स्तून आएगा गवा लिखा है या खैरा दफिनत बिलका आज़म हो आगे फ़ताब मिनती बिन नलका उल अकम हो फिर दाइज लिखे नफसल फिदा उल़ब्रंत सा वफ़ी हिलाहम हजूर आप की खबर की जगह तमाम जगहों से बरतर है दुनिया में रोशनी आपकी खबर की वजह से है अल्लाह अकबर मेरी जान फ़ैदा उस खबर पर जिसमें आप साकिन हैं आप रहते हैं यहाँ पे फी हिलाफ वलूद वल करम उल्लाकबर इसमें इफत भी है जूद भी है करम भी है सब कुछ है। ये शेर की चले गए अल्लाह अकबर तो भी कह वो तो भी कहते हैं ख़्वाब देखा अल्लाह के नबी ने फरमाया अलहक बिल आराबी आप शिर हु कदाफर कि जाओ उस आरबी को जाकर बताओ अल्लाह ने तेरी मफ़रत कर, कर दी है तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है तो जो हुक्म हजूर के दौर में था वो हुक्म आज भी है वो ज़माना भी हजूर का था आज का ज़माना भी हजूर का है सल्ला व्ल् आप तो तोमत तक के लिए नबी हैं तो हमारे ज़िम्मे है हम रसूल सल्लाम की इतात करें आपकी इतबा करें आपके नक्श कदम पर चलें और रसूल अक्रम सन्नत का हया करें सुनत को जिंदा करें जीना और मरना अल्लाह के नबी की सुन्नत को बना लें कुछ कमी और कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें हजूर पा की कब्र पर जाके आपसे दरख्वास्त करें कि आप हमारे लिए दुआ मफ़रत फ़रमाएँ ताला इंशाल्लाह सफ़रत फरमा देंगे मैंने ये मुख्तसर सी बात इसलिए की है ये रबीउल अव्वल का महीना है बरक़त वाला महीना है इस महीना में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं आपकी तशरीफ़ आवरी का मकसद समझें आपकी दुनिया में आने का मकसद समझें बच्चों वाली खुशियाँ न मनाएँ समझदारों वाली खुशियाँ मनाएँ किसी के कि घर में मेहमान आता है बड़े भी खुश होते हैं बच्चे भी खुश होते हैं बच्चे खुश होते हैं कि मेहमान आया है तो आज चावल पकेंगे मेहमान आया है बिरयानी पकेगी मेहमान आया है सब्जियां पकेंगी बच्चे इस पे खुश हैं और बड़े खुश हैं है, भाई ये बहुत बड़ा आदमी है मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे घर आया है हमें शर्फ़ मेज़बानी बख्शा है तो हम कोशिश करेंगे इनकी आमद के मकसद को पूरा करें ये क्यों आए ये क्यों आए तो बच्चे खुश होते हैं कि इनके आने पर पकेगा और बड़े खुश होते हैं कि इनके आने के मकसद को समझ के हम इनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों तशरीफ़ लाए इस मकसद को समझें सिर्फ़ उनके आने पर झंडियाँ लगाना उनके आने पर जुलूस निकालना उनके आने पर मिठाइयाँ तकसीम करना इसका मतलब ही आपकी आमद के मकसद को समझा नहीं है मैं एक बात अर्ज़ किया करता हूँ बात समझाने के लिए अलैहि स्ल्लम की आमद का मकसद अब अल्लाह के नबी के दौर की बचियाँ भी समझ गई थी और आमद का मकसद आज के बड़े भी समझने के लिए तैयार नहीं जब रसूल्ला सल्ला व्ल् मदीना नवरा में तशरीफ़ लाए हैं और आप मदीना में दाखिल हो रहे हैं और इस्ताल हो रहा है और बचियाँ क्या पढ़ रही हैं तलाल बदरोलैना मिनसनी यातलबदाई वजब शकरोल मा दादाई अयलममबूसफ़ीना जे तबिल अमरमाईम तौर पर ये दो शेर पढ़े जाते हैं तलाल बदरो मन सनी यातिल्बदाई वजब शक्रोल मा दादाई कि हमारे ऊपर चौदहवीं का चाँद निकल आया अल्लाह अकबर एक घाटियों से निकल कर आए और जब तक शुक्र करने वाला जिंदा रहे, उसकी ज़िम्मे के शुक्र करे अल्लाह पाक ने चाँद हमारे पास भेजा है और मैं समझता तो हूँ जो रूह है जो रूह है इन अशार की उसको हमने छोड़ दिया वो क्या है अयलमबोीना जे तबिल अमरमताई हजूर आप हमारे पास आए हैं इन शाह आपकी हर बात की ताक इतबा की जाएगी आप फरमाएँगे और हम मानेगी उस दौर की बच्ची भी समझ गई थी आज के बड़े को भी समझ नहीं आ रही तो रसूल सल वसम की आमद पर खुश हूँ लेकिन खुशियाँ बड़ों वाली मनाएं खुशियाँ बच्चों वाली ना मनाएं मुझे यहाँ बात याद आई मैं अपने तवली जमात के अहबाब से गुज़ारिश किया करता हूँ आम तौर पर वाल बिदत के लिए एक जुमला कहा करते हैं भी ये हमारे बड़े भाई हैं बड़े भाइयों की मसिल में गए थे बड़े भाइयों से मुलाकात हुई थी मैंने कहा मुझे इस पर एतराज़ नहीं कि आप भाई क्यों कहते हैं मुझे इस पर है कि आप बड़े भाई क्यों कहते हैं आप इन्हें भाई खो लेकिन बड़ा तो ना खो ना क्यों रसूल सल्लम की आमद पर वो खुशियाँ मनाते हैं जो बच्चों वाली हैं तो कहना भी है तो उनको छोटे भाई को ना उनको बड़े भाई तो ना कहो छोटे भाई को क्योंकि तो उनने काम जो छोटों वाला किया तो छोटे भाई हुए आप उनको बड़े भाई कह रहे हैं फिर दूसरी बात मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि देखो जब बड़ा कहेंगे तो बड़े की अजमत होती है और ये तो मरीज़ है मरीज़ की अजमत नहीं होती है मरीज़ पर शफकत होती है और छोटे पर भी शफकत होती है इनको छोटा भी समझो और मरीज़ भी समझो इन पर शफकत का मामला करो इनको बड़ा समझोगे तो फिर अजमत इख्तियार करनी पड़ेगी और जब अजमत होगी तो अल्लाह के नबी फरमात वक्कर साहिब अब अल इस्लाम जो बिदती की तयजीम करता है वो गया कि दीन मिटाने में उस बिदती की मदद करता है तो ज़रा ये बात समझें मैं सिर्फ गुजारिश की है कि बात समझने की कोशिश करें तबलीग हमारा काम है हमने करना है और हमारा काम है हम नहीं करेगा तो कौन करेंगे ये हमारा काम है और करने वाला काम है अल्लाह ताला में ये बात समझने की तोफीक ताफरमाए तो मैंने आपकी खिदमत में जो अर्ज़ की है इसको अच्छी तरह समझें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को इख्तियार करना अल्लाह के नबी की इतबा करना हजूर करम सल्ला वसम की अत्यात करना ये हमारे ज़िम्मे है नबी करीम सल्ला वम्म बहुत खुश अखलाक थे बहुत खुश अखलाक थे आपसे ज़्यादा दुनिया में खुश अखलाक कौन हो सकता है कि आपके अखलाक पर कुरान गवाही देते खलुक नाज़ीम आपके अखलाक को मुखालब भी बयान करता है तस्लीम करता है इसमें कोई शिकाल नहीं लेकिन अखलाक को समझना ज़रूरी है अखलाक किसे कहते हैं समझना ज़रूरी है ये बात नशीन फरमाएँ कि महकूम के, के अखलाक को माहकूम के अखलाक को कोई गिना नहीं करता माहकूम के अखलाक गिनती में नहीं आते हमेशा हाकिम के अखलाक गिनती में आते हैं जो माताहत लोग होते हैं उनके अखलाक को गिना नहीं करते और जो बाफोक और ऊपर वाले होते हैं उनके अखलाक को गिना करते हैं रसूल अक्रम सम मक्का मक्रमा में थे तब भी अखलाक थे मदीनवर में थे तब भी अखलाक थे मदीमरा मक्का मकर्मा में वही अखलाक थे कलमा को, तो कल्मा को चंद एक लोग हैं और मदीना नवरा में आए तो कलमा को चंद एक नहीं चंद सौ नहीं हज़ारों की तादाद में और लाख से भी तजावज़ कर गए हैं और कुरने के नीम क्या कहता है एजाजा अनसर अल्लाफत हो वर आई तनासीत खुरुनफीदीन ला अफवाजा पैगम्बर जब अल्लाह की मदद आई और फतूहत शुरू हुई खसूसा फतः मक् अब एक एक बंदा नहीं फौज दर फौज ग्रोह दर ग्रो आप देखो कलमा पढ़ेंगे और इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे क्यों यखलाक तो मक् मक्रमा में भी थे फर्क फ़र्क़्या था कि मक् मुकर्मा में रसूल अक्रम सम के पास अल्लाह के नबी के पास मरकजीत खिलाफत हाकमियत इकतदार नहीं था अखलाक से मुता थे कलमा नहीं पढ़ते थे मदीना मनवर में अखलाक से मुतासर हुए आपकी बर्तरी को देखा तो उन्हें कलमा पढ़ा है मैं इसकी कई बातें समझाया करता हूँ लोग कहते हैं जी हजरत उमर बिन ख़ाब रसी अल्लाह हो आपके पास ईरान का शहजादा आया जो वाक़ बयान किया जाता है शहजादा आया या तोमर की खिदमत में पेश किया उसको कतल करना था तो उसने कहा जी मुझे अपने अमीरमिन के पास लेकर चलो मैंने एक बात क्या नहीं है हर तो उम्र की खिदमत में अर्ज़ किया फिर मैं ले आओ फिर जब उनके पास आया बात करने के लिए तो उसने कहा जी मैं पानी पीना चाहता हूँ आपने मैं उसको पानी दे दो जब प्यानी पानी प्याले में दिया उसने कहा जी मुझे डर है कि मैं प्याले में पानी पीने लगूँ तो तुम तो मेरी गर्दन न उड़ा दो हज तुम्हारे फरमान नहीं जब तक तो पानी नहीं पिएगा तुझे मारेंगे नहीं तो उसने जब ये बात सुनी तो उसने पानी गिरा दिया कहा तो क्या किया कहा जी मैंने सुना है कि मुसलमान जो है वो सच बोलते हैं और अपने वादे पर इफा करते हैं तो आपने फरमाया जब तक तो पानी नहीं पिएगा तुझे मारेंगे नहीं अब तो पानी मैं पी नहीं सकता न पीऊँगा मुझे तो आप कभी भी मारेंगे और फरमाया कि जाओ तुम्हें छोड़ दिया तो कहते हैं उसने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया जो कि उम्र के अख्लाक से मुतासर हुआ कलमा पढ़ लिया मालूम के लोग अखलाक से कलमा पढ़ते हैं मैंने कहा शहजादे को हज उम्र तक लाया कौन था हर उमर तो के दरबार तक लाया कौन था पहले ये वहाँ से गिरफ्तार हुआ ताकत के साथ यहां को लाया गया उमर तो के सामने पेश किया गया अब उसने अखलाक को देखा है तो कलमा पड़ा क्यों अर उमर तो गर्दन काट सकते थे और नहीं काटी अब कलमा पड़ा अगर काट ही ना सकते और फिर न काटते तो मैं देखता कैसे कलमा पढ़ता है अली रजी अल्लाह का वाक़या पेश किया जाता है चैत अली रज़ी अल्लाह तआला त हथेक ये यहूदी चढ़ गया मैदान जंग में वो नीचे गिरा है आप उसके सीने पर हैं उसकी गर्दन काटने लगे हैं उसने नीचे से उनके मुंह पर थूक दिया अत अली ने उसको छोड़ दिया कहा जी क्यों छोड़ा है जब पहले मैं सबा कर रहा था अल्लाह के लिए और अब मैं नफ्स का गुस्सा शामिल हो गया लिहाजा मैंने तो छोड़ दिया उसने उनके अखलाक देखे तो कलमा पढ़ा पता चला कि बंदा अख्लाक से कलमा पढ़ते मैंने कहा यहूदी तो अखलाक पहले भी जानता था अब हर तली की तलवार की जद में है अब उसको ब करना चाहते तो कर सकते थे अब छोड़ा तो उसने कलमा पढ़ लिया और अगर ज़बह कर ही ना सकते कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया है तो कौन कलमा पढ़ता ना माफ़ करो ना तुम मुझे मार के देख लो तुम्हें किसी ने कहा मुझे माफ़ करो तो ये बातें अच्छी तरह समझें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा में दाखिल हुए हैं तो लोगों ने कलमा क्यों पढ़ा है अब आप गर्दनें उड़ा सकते थे नहीं उड़ाई बदला ले सकते थे नहीं लिया कलमा पढ़ लिया और जब मक्का ममा से हिजरत करके मदीना मुनवरा नहीं तशरीफ़ लाए यही मक्का था आपने किसी को कुछ नहीं भी नहीं कहा कोई भी कलमा नहीं पढ़ रहा अब उसी मक्का में कुछ नहीं कह रहे अब लोग कलमा पढ़ रहे हैं क्यों पहले वो वोत और ताकत नहीं थी क्या बदला ले सकते तो उन्हें कलमा नहीं पढ़ा अब ताकत और कुवत थी कि बदला ले सकते तो छोड़ा अब लोग ने कलमा पढ़ लिया तो मैं ही गुजारिश करूँ उस बात को अच्छी तरह समझें आप के पास कोई आपके मेहमान आते हैं आप किसी फैक्ट्री में ऑफिस में काम करते हैं और आप उन उनको लेते हैं और अपनी जो फैक्ट्री का मालिक है उसके पास लेकर जाते हैं कि हमारे उस्ताद आए हैं मज़ज़ मेहमान आए हैं वो मिलना चाहते हैं मुझे आप बताओ आप लेकर आते हैं और जो बाहर गाड़ खड़ा हुआ है वो आकर जूता सीधा करता है तो क्या उस गार्ड की इस खुश अखलाकी को देख कर आपका दिल करेगा कि मैं भी गार्ड लग जाऊँ चूँकि इसके अखलाक बहुत अच्छे हैं किसी का दिल करेगा मैं गार्ड लग जाऊँ भाई कि इसके अखलाक बहुत अच्छे हैं और अगर वह गार्ड मुसलमान हो तो उसको देख कर कोई हिंदू कलमा पढ़ लेगा भाई इनके अखलाक बहुत अच्छे हम कलमा पढ़ लें कोई मुतासर नहीं होगा वो समझेंगे नौकरें टी सी कर रहे हैं इस काम के सूते सीधे करने के लेकिन अगर आप लेकर जाए अपने किसी बड़े को और जो मिल का मालिक है फैक्ट्री का मालिक वो आए दरवाज़ा खुद खोले और आपके बड़े के जूते सीधे करे तो पूरी फैक्ट्री में धूम बच जाएगी यार क्या सेठ यार क्या खुश अख्लाक कैसे उसने बच्चों के जूते हजरत के जूते सीधे किए अब उसको देख कर अगर मुसलमान है तो कई लोग कलमा पढ़ेंगे कि यार मुसलमान ऐसे भी होते हैं तो मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ अखलाक कामदा होना बहुत ज़रूरी है लेकिन ये जो हम कहते हैं ना कि अखलाक से इस दीन फैलता है ये तब है जब आप हाकिमीत पर हो माह के खिलाफ को लोग कलमे नहीं पढ़ा करते हाकिम और बरसरी अख्तदार और बड़े लोगों को देकर कलमा पढ़ा करते हैं बाकी इखिला तो हर हाल में अच्छे होना ज़रूरी माताहत है तब भी माफोक है तब भी आप गुलाम हैं तब भी आप मालिक है तब भी आप नौकर हैं तब भी अब मालिक है आप के फैक्ट्री के तब भी वो तो होने ही होने चाहिए लेकिन जो दुरुस्त बात है मैं वर्ष कर रहा हूँ इन बातों को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए अल्लाह ताली में बात समझने की तोफीक ताफ़र रसूल अक्रम अलैहि मुक़दस तरीन भी हैं महबूब तरीन भी हैं मुता तरीन भी हैं आपकी इताद भी करनी है आपकी तलीमत को अपनाना है रसूल अकरम अलैहि वसम के इर्शादात अमल करेंगे आपकी अमली ज़िंदगी को नमूना बनाएँगे तो घर जन्नत का मंजर बनेंगे नमूने पेश करेंगे अल्लाह अकबर आज यकीन फरमाएँ घर घर लड़ाई घर घर झगड़ा क्यों हजूर अक्रम सल्ला वल्लम की तलीमत को नज़रअंदाज किया जा रहा है शोर समझे कि मेरे ज़िम्मे बीवी का हक़ क्या है बीवी समझे कि मेरे ज़िम्मे शोर का हक़ क्या है लड़ाई ख़त्म हो जाए तो पैगम्बर पाक सल्ल वम की तलीमत ये नहीं कि आपने हक लेना कैसे है आपकी तलीमत का खुलासा है कि आपने हक देना कैसे है हकूक़ अदा करना सीखो ये नहीं कि हकूक़ लेने सीखो अदा करने सीखो हमारा झगड़ा पूरा इस बात पर है कि मेरा हक है वो दे नहीं रहा और अगर हम इस बात पर आ जाए कि उसका मेरे ज़िम्मे हक़ है मैंने अदा कैसे करना है मामला बिल्कुल बदल जाए घर भी ठीक हो जाए माशरा भी ठीक हो जाए माहौल भी ठीक हो जाए बहरहाल जो इख्तियार कर सके करे और अगर कोई ना करे तो हमने अपने ज़िम्मे है अपना काम तो करे ना अपनी सलाह भी करनी है पूरे आलम की फिक्र भी करनी है यहाँ दो बातें अच्छी तरह समझ लें पूरे आलम की असलाह की फिक्र हमारे जिम्मे है पूरे आलम की असलाह हमारे जिम्मे नहीं और अपनी असलाह की फिक्र नहीं अपनी असलाह हमारे ज़िम्मे है अगर कयामत के दिन कोई दुनिया में शख्स ठीक न हुआ अल्लाह ये नहीं पूछेंगे तुमने तो ठीक तो क्यों नहीं किया ये पूछेंगे तुमने इसको ठीक करने की फिक्र क्यों नहीं की और मेहनत क्यों नहीं की और अगर हम ख़ुद ठीक न हुए तो अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे तुमने अपने ठीक होने की फिक्र क्यों नहीं की वहाँ होगा कि तुम ठीक क्यों नहीं हुए तो अपनी तो असलाह फर्ज है और बाकी उम्मत की असलाह की फ़िक्र जरूरी है फ़िक्र ज़रूर करें कोशिश भी करें और अपनी फिक्र नहीं करनी कोशिश नहीं अपनी असलाह करनी है अल्लाह तला हम सबको असलाह की तोफ़ी के ताफ़रमाए अपना नाम लेने की तोफ़ी ताफ़रमाए जिक्र की अल्लाह तौफीक अता फरमाए इबादत की तौफीक अता फरमाए अल्लाह सुन्नत हमें महबूब बना दे ओढ़ना बिछाना अल्लाह हमारी सुन्नत फरमा दे इत्तबाए सुन्नत की अल्लाह तौफीक अता फरमाए अपने लिए सब के लिए दुआओं का अहमाम करो अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कदर की तौफीक दे अज़मत की तौफीक दे मोहब्बत की तौफीक दे आपकी इताअत की तौफीक तोफीक ताफ़रमाए आखिर रब्बिल आलमीन